चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एलएम में चुनाव कैसा रहता है? एलएम में चुनाव तो वैसे तो शांतिपूर्वक ही रहे। जो भी चेयरमैन बने, एक तो यहाँ डिग्री कॉलेज की तरफ को प्रयास करे। कौन आदमी काम करने वाला, कौन नहीं, जो आदमी काम करने वाला हो उसे वोट दीजिए। तीसरे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली का ये कस्बा एलम में हम यहाँ खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि जिला शामली में 4 मई से यहाँ नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं चुनाव को लेकर क्या हलचल अभी कस्बा एलम में है, लोगों की क्या राय बन रही है चुनाव को लेकर, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं एलम में जो नगर निकाय चुनाव को लेकर हमसे बात करेंगे और इन नगर निकाय चुनाव को लेकर आम जनता के क्या मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार जी बाबूजी। ये तो मैं ही पकड़ लूँगा। नाम क्या नाम है आपका? किशन पाल सिंह। अच्छा जी, किशन पाल जी, 4 मई से घोषणा हो चुकी है नगर निकाय चुनाव को लेकर, एलम में आप किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं चुनाव में, लोगों की क्या राय इस बार? जो चुनाव है वैसे तो अब टाइम के उसके काम के टाइम के टाइम आ गया, इस वजह से थोड़ा ढीला चल रहा। बाकी इलेक्शन है ही, इलेक्शन में 5 कैंडिडेट यहाँ खड़े थे, एक छठे छह कैंडिडेट है, वो छठे का तो कोई ज़्यादा वो नहीं, लेकिन 5 कैंडिडेट में इलेक्शन है और इनमें अधिकतर इलेक्शन जो है दीपा में, उसमें देवीर में है, अश्विन यहाँ है नहीं, अश्विन उपता तो इलेक्शन में रहता हो। तो कुछ नए चेहरे भी इस बार? नए चेहरे नहीं, पुराने हैं ये सारे, सारे ने पूरा पिछले साल भी लड़ा था इन्होंने और वही लड़ रहे। नया तो यू एक बताने, ये कौन आया का? जोगिंदर भाजपा से, उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं ज्यादा। अच्छा बाबा जी क्या नाम? जयपाल भाई। अच्छा अच्छा, चुनाव है आपके यहाँ नगर पंचायत चुनाव है, क्या देख रहे हैं इस बहुत शांतिपूर्ण और अपना काम कर रहे हैं बहुत, और मतलब है कि भी मतलब है कि शोर सबका इतना ही है कि पंचू जीत रहे, इतना वोट नहीं खुलती, पंचू जीत है मैम हमारे, एक जीता का इतना लक्षण। वो चेहरा कौन सा आपको लग रहा है? ये चेहरे सारे इतने सुतरे, सारे नवे हैं। एलम में चुनाव कैसा रहता है? एलम में चुनाव तो वैसे तो शांतिपूर्वक ही रहे और खूब वैसे पैसा खर्च करें कैंडिडेट। जो कैंडिडेट 2,200 वोट ले जाएगा वही जीत जाएगा। यहाँ तो सब यू पार्टी में दूसरी में, हम दूसरी में, एक जगह ही खेल लू जहाँ सब राय कहीं दे, हम कहीं दे छुट्टी, नो को पैसा वैसे या कुछ नहीं। कई बार हमने देखा है बड़े चुनाव में भी या छोटे चुनाव में भी कई बार अलग रूप दे दिया जाता है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, किसी नहीं ऐसा कुछ नहीं यहाँ, तो कभी वो बात है लंबे कभी नहीं ऐसा यहाँ कुछ ऐसी नहीं, परेशानी जो समस्याएं हैं वे चेयरमैन से ऊपर की हैं, उन्हें कोई हल नहीं कर सकता। वो किस तरह की समस्या है? स्वास्थ्य की समस्या है, MBBS डॉक्टर चाहिए, नई पोस्टिंग क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर की कमी है, दिक्कतें हैं, ऐसा पशु डॉक्टर की कमी, ऐसी ऐसी कमियां हैं जो चेयरमैन से ऊपर की हैं, उन्हें कैसे करें। लेकिन जो उनके बड़ा टाउन है, हाल्ट है, आज तक बड़ा स्टेशन नहीं, जबकि टाउन में तो बड़ा स्टेशन बन जाना चाहिए था, कोई सुविधा नहीं। ऐसी कई सारी सुविधाएं होती है जैसे नगर पालिका के अंतर्गत, आप लोग किसान हैं और किसानों के बच्चे बहुत आर्मी और पुलिस इन सब की तैयारियां करते हैं, इस तरह का कोई स्टेडियम या इस तरह की सुविधाएं कभी बातचीत उठी हो इस बारे में? वैसे तो कोई वो है नहीं, स्कूल में है, स्कूल के वहाँ सुविधा है, फील्ड है, उसमें जाते हैं बच्चे। आपकी तरफ से आपकी क्या मांग होनी चाहिए आपके अपने कस्बे के लिए, कोई भी चेयरमैन आ गया है लेकिन आपकी आप किस तरह से देखते हैं कि ये सुविधाएं की कमी है? हम तो ये चाह, जो भी चेयरमैन बने, एक तो यहाँ डिग्री कॉलेज की तरफ को प्रयास करें, एक डॉक्टर को लेने का प्रयास करें, पशु डॉक्टर है उसे लेने का प्रयास करें, बच्चों के लिए जिम वगैरह का ऐसा वो सुविधा हो जाए ताकि उसमें चले जाएं, लाइब्रेरी नहीं यहाँ
उसकी आवश्यकता तो एक स्टेडियम की भी है। कॉलेज ने इतनी जगह छोड़ भी रखी स्टेडियम लाख स्टेडियम बन सके उसमें पूरा। नेताओं ने एक दो ने आश्वासन दिया भी कि भाई पैसे हम देंगे, लेकिन वो आए नहीं, स्टेडियम नहीं बन पाया। लेकिन आपके आपको क्या लगता है कि चुनाव जो है वो ऐसे लालच देकर लोगों को अपनी तरफ कर लिया जाता है, या फिर जनता के मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए चुनाव में? लालच भी चलता है, कोई भी इलेक्शन हो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, लालच तो सब। पैसा ऐसी चीज है भाई भाई को भी एक होन देता, ये तो इलेक्शन ऐसी चीज है, तो इसमें तो लालच तो रही है। और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उधर चल रहे हैं, चलो और भी लोग हैं। ताऊ जी बात हो जाएगी थोड़ी सी? अच्छा जी, चलिए पूछते हैं। आगे ताऊ जी नमस्कार, बात हो जाएगी जी थोड़ी सी? चुनाव है नगर निकाय है जी, है चलो कोई नहीं है, दो बस एक ही मिनट। आपके यहाँ नगर निकाय चुनाव है, आप कैसे देख रहे हैं इन चुनावों में, जनता के मुद्दों की बात होगी या नहीं? भाई इब तो सारे जीत बता रहे अपनी जी, हाँ और भाई इब लो सही वो तो है नहीं साहब, वो माहौल सा अभी बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, निशान पिसान आ जाएंगे जीत जा के हिसाब से जी बना। तो ऐसा कोई चेहरा है आपकी नज़र में जो आप देख रहे हैं कि भाई, भाई जो सा जिसकी डब है वो तो अपने की जीत बता रहा है, ये तो दूसरे की डब है, मैं दूसरे की डब हूँ, मैं तो अपने वाले की जीत बताऊँगा भाई, ये अपने वाले की बतावे ये हो रहा काम। एक चीज़ और बताइए, आपके जैसे नगर पंचायत में बहुत सारी राजनीतिक बड़ी राजनीतिक पार्टियों से भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप कैसे दे रहे हैं? भाजपा है, गठबंधन ना ना ना, इसी भाजपा का तो एक आ था जोगिंदर है, वो तो नहीं है क्या नाम आपका? क्या नाम? तो कैसे रहता है इलेक्शन गाँव में आपको? ये तो बिना पार्टी का तो इलेक्शन रहेगा, यहाँ से यहाँ तो देख रहे हैं भाई कौन आदमी काम करने वाला कौन नहीं, जो आदमी काम करने वाला हो उसे वोट दीजिए। तो अभी वो हलचल है, शुरू हो रही है अभी, शुरू होगी वो हलचल से। हाँ और भाई हम तो एक बात जाना, कोई हो बढ़िया आदमी कोई वोट दो, गलत तो नहीं, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो लोकदल का हो चाहे वो कहीं कहीं हो, बढ़िया आदमी को वोट दो। और भाई आगे अब जब इलेक्शन हो उसमें हम भाजपा के लिए खुल के ये गाँव के इलेक्शन आएंगे, इनमें इनमें बात सुन नहीं बनती, बंद देखना पड़ेगा कौन आदमी काम कर रहा। क्या नाम बाबू जी आपका? सतीश है जी। सतीश जी क्या किस क्या लग रहा है इस बार नगर निकाय चुनाव है? अजी बराबर सभी बराबर चल रहे, देखो क्या हो 6 कैंडिडेट हैं और आज कल को जो उठेंगे इनके पर्चे पुर्चे उठ गए तो किसी का जी बात कही जा सके, इससे पहले क्या कह सके। तो अभी लोग थोड़ा सा कुछ हलचल है इस तरह की चुनाव को? भाई कल पर्चे ठाने की आखिरी है, इससे पहले क्या कह सके, कल पर्चा कोई ना ठा ले तो उसके बारे में बोलना भी तो पड़ेगा। हम जिला शामली के कस्बा एल्लम में थे और एल्लम में हमने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय बन रही है और किस किन मुद्दों को लेकर लोग इस बार वोट करने वाले हैं और कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो एल्लम की चेयरमैनी पद पर उम्मीदवार रहेगा इस बार। तो जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।